हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जी गुरु जी में। मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश भर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम आईएएस एग्जामिनेशंस के वैदिक नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस जो आते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। एग्जामिनेशन, इसके बाद इंटरव्यू अलग होता है, यानी टोटल 3 स्टेजेस होती हैं इसके एग्जामिनेशन की। नंबर 1 पर आता है प्रीलिम्स, नंबर 2 पर आता है मेंस और नंबर 3 पर आता है इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका पेपर आता है ऑब्जेक्टिव पेपर, इसके बाद मेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर आते हैं, जीएस का पेपर, सीसैट का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद जो मेंस पेपर होता है, मेंस में आपके काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। जी हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, आपके जीएस के पेपर होते हैं, आपके क्वालिफाइंग नेचर वाले पेपर होते हैं, लैंग्वेज पेपर होते हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यू। आईएएस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू तो पूरे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, कितना टफ माना जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, और इसी के साथ इसके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती। तो प्लीज आंसर्स गलत मत कीजिए, गलत आंसर टिक मत कीजिए। अगर आप क्वेश्चन में बिल्कुल श्योर हैं तभी उस क्वेश्चन को आप ज्वाइन कीजिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग से, 0.1 नेगेटिव मार्किंग से भी आपके रैंकिंग में काफी असर पड़ जाता है, लाखों रैंकिंग में असर पड़ता है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल मत पड़िए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र बहुत ही बड़ा राज्य है इंडिया का। यहाँ की राजधानी मुंबई है, जो कि वर्ल्ड फेमस है। जी हाँ, वर्ल्ड फेमस है मुंबई, और बहुत सारे बच्चे इस शहर में प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जैसा तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जहाँ हमने टॉप 10 रैंकिंग्स की बात करी है, कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, और हर इंस्टीट्यूट के बारे में एक शॉर्टकट डिटेल हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर दी थी है, जिसमें सभी इंस्टीट्यूट की शॉर्ट डिटेल्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां जाकर के उस पेज को विजिट कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं और सभी इंस्टीट्यूट की डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा एक सिंगल इंस्टीट्यूट के बारे में हमने सभी एक एक सिंगल इंस्टीट्यूट के बारे में सारी की सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, जहां हर इंस्टीट्यूट के बारे में हमने इन डिटेल आपको समझाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र के सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बाकी लिस्ट की, तो मैं आपको वो लिस्ट दिखा देना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट मौजूद है। अब बात करते हैं हम आज के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फोरम आईएएस इंस्टीट्यूट की। फोरम आईएएस इंस्टीट्यूट पूरे महाराष्ट्र में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए 4th नंबर का सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और इस लोकेशन में बहुत ही ज्यादा फेमस है। जी हाँ, इस इंस्टीट्यूट में आपको स्टडी मटेरियल कोर्स के साथ ही प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। रिसर्च करके बनाया जाता है, एक्सपर्ट्स द्वारा बनवाया जाता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा अच्छा है और इनका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे वे में इंप्रूव हो रहा है, यानी हर साल इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं और वो बच्चे आपसे दोबारा मिल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी और वो चीजें आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस लेकर के आते हैं।
मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक नई लोकेशन की, एक नई वीडियो की, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।